ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है, अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ आए। चार दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे। मेरा एक छोटा सा सवाल है ये विपक्ष के सारे मित्रों को कि संसद ने अब तक इस बैठक के अंदर, सत्र जब से शुरू हुआ तब तक 9 बिल पास कर लिए, सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे, माननीय अध्यक्ष जी हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे, उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगे। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं, आपने चर्चा की मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हरेक बिल महत्वपूर्ण, हरेक बिल महत्वपूर्ण। क्या देश की चिंता है? तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है, अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए। और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है, मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए, आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भाग कर न चली जाए इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी, मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री की चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। चार दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे, और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी, इसलिए चिंता मत करिए, धन्यवाद, जनता देख रही है आपको भी। 2024 आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ अरे कैसे खत्म हुआ, आपने अभी तो कर दिया भाई। नहीं, नहीं, हो गया ना पूरा, अभी नहीं कंक्लूड करने दीजिए, कीजिए तो इसलिए पूरा कीजिए। इसलिए सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यह बिल जो आया है, यह बिल लोकतंत्र के का विरोधी है, लोकतंत्र को समाप्त, वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है लोकतंत्र के सारी संस्थाओं, आपने कह दी अपनी बात, आपने सारी संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है, ये कर रहे हैं, लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचा के खिलाफ है, हमारी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं? ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं? अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को, आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं?
आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप तीन सीट पर सिमट जाते हैं, तीन सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली का, दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही। कौन चर्चा कर रहे थे माननीय गृहमंत्री? गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक बंगलोर में हो रही थी उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए बैठिए ना बाबा, बैठिए विदाई होगा आपका, बैठिए बैठिए भाषण दे रहे हैं, बैठिए आप बोलिए ना, आप उधर मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए, एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली, केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड प्लीज सभापति एंड ट्राई टू कंक्लूड ऑल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, इसीलिए प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, नो 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 नो, बैठिए आप, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, एक मिनट एक मिनट एक, आप प्लीज स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की, आप ही चलाइएगा, आप तो बैठिए, जी जी जी, चलिए हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज, ले सवाब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री की चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। चार दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी, इसलिए चिंता मत करिए, धन्यवाद, जनता देख रही है आपको भी, 2024 मिश्रा जी आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ